मैं अध्यापक था पेशे से, तो रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद वहीं अकबरपुर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया, तो एक महीने तक जो है वह ठीक रही। उसके बाद हमको धुंधलापन दिखाई पड़ने लगा, तो गए तो उन्होंने कहा कि आपकी कार्निया में कुछ सूजन है, लेकिन दवा से कोई लाभ नहीं हुआ। तब मैं लखनऊ आया, ठीक हो जाता था उसके बाद इन्फेक्शन हो जाए, ठीक हो जाए इन्फेक्शन हो जाए। आखिर में उन्होंने कहा कि मेरे बस का जो था मैंने किया, और उसके बाद डॉक्टर साहब के पास लाए, यहाँ लाए, दिखलाए। अब मैं उनसे पूछ पड़ा कि डॉक्टर साहब क्या यह मेरी आँख ठीक हो जाएगी? इन्होंने बड़ी आत्मविश्वास के साथ कहा हाँ ठीक कर दूंगी। When he came to us, he was in a lot of pain. His vision was very poor. कॉर्निया की सबसे बाहर वाली लेयर है जिसको हम एपिथीलियम कहते हैं, उसके अंदर एक छाला हो गया था, एक तरह से उसमें डिफेक्ट आ गया था, और आँख बहुत ही लाल थी, काफ़ी सूजन थी इनके आगे की पुतली में, कॉर्निया में इनको एडिमा था। और ये सोच के कि इनकी आँख में इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन की वजह से जो इनकी आँख में ये छाला है या अल्सर है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इन्फेक्शन मारने के लिए इनको बहुत सारी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स और एंटीफंगल ड्रॉप्स चलाई जा रही थी। इतनी ड्रॉप्स के बाद वो इन्फेक्शन तो ठीक हो गया था, अब इस टाइम पे उनको इन्फेक्शन नहीं था, उनको इतनी दवाइयों की वजह से टॉक्सिसिटी हो गई थी। तो हमने इनकी सारी दवाइयाँ बंद कर दी, इनको सिर्फ ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप्स पे और इनको एक माइल्ड, वेरी माइल्ड एंटीबायोटिक पे रखा, ताकि जो इनका एपिथीलियल डिफेक्ट है उसमें दोबारा से इन्फेक्शन ना हो जाए। धीरे धीरे इनकी आँख सेटल होने लगी, इनकी लाली कम होने लगी, इनके सिम्टम्स बेटर होने लगे। कुछ टाइम बाद इनका ये डिफेक्ट पूरी तरह से हील हो गया और इनकी लाली वो सब बिल्कुल ठीक हो गई। इनकी जो काफ़ी हद तक सिम्टम था, जो पेन था इनका, वो इम्प्रूव हो गया, लेकिन विजन अभी भी वापस नहीं आया था। उसका रीज़न ये था कि अब तक कॉर्निया में स्कारिंग भी डेवलप हो चुकी थी, मतलब सफ़ेदी आनी शुरू हो गई थी, और जो हमारे कॉर्निया की अंदर वाली लेयर होती है एंडोथेलियम, वो भी काम करना बंद कर चुकी थी। एक बार आँख अच्छे से शांत हो गई और जो सारा रिएक्शन था, जो ड्रग टॉक्सिसिटी थी, वो ठीक हो गई, इनका डिफेक्ट हील हो गया। हमें अपने आप को भी और पेशेंट को ये समझाना होता है कि हम वेट करके अगर आराम से करें जब तक आँख शांत हो चुकी है, तो इसका रिजल्ट बेटर आएगा। तो हमने इनकी पूरी कॉर्निया रिप्लेस की, हमने इनका फुल थिकनेस कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया, और उसके बाद इनका विजन बेटर ही होता चला गया। ये एक बहुत अच्छी बात थी थैंकफुली कि इनका पीछे का पर्दा बिल्कुल ठीक था, रेटिना बिल्कुल हेल्दी था, और अब इनका ट्रांसप्लांट हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, इनका विजन काफ़ी अच्छा रिकवर हो गया है, और ये काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं कि अब ये अपना सारा काम प्रॉपरली कर पा रहे हैं। और यहाँ मेरे भांजे जो है मेरी उंगली पकड़ करके मुझे पार करते थे, लेकिन अब मैं अकेले चला होता हूँ, वहाँ से अम्बेडकर नगर से और अकेले चला जाता हूँ, यहाँ भी अकेले चला आया। अब मुझे बहुत ही आत्मीयता के साथ ये मेरा इलाज कर रहे हैं। मैं उनसे कहता भी हूँ कि आप वो भगवान ने जो है यहाँ पर जो है भगवान के रूप में आप उतर आई हैं, कहते हैं कि सब ईश्वर की कृपा, सब लोग ईश्वर, हम कहे सब लोग तो हैं, लेकिन सबको यह भगवान ने यह गुण नहीं दिया है।